हेलो हलो पुरोज गुड्स मॉर्निंग अगैन एक और बार प्रभु की स्तुति प्रभु की तारीफ और प्रभु की जजिका हमेशा हृदय की गहराई से हम वेलकर करें हाँ लोहिया आई बिलीव कल का चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया ऑफकोर्स बड़ा चैप्टर है ऑलमोस्ट फिफ्टी वो वर्ड्स हैं फोर्टी फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन वर्ड्स हैं उसके अंदर एंड यस वेन वी सेट टूगैदर जब हम एक साथ बैठते हैं तो हम बात करते हैं सीखते हैं उन्नति प्राप्त करते हैं अच्छा कुछ लोग कहते हैं उन्नति कैसे मिलती है हमें तो गवर्नमेंट जॉब है हमारे पास अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं खा लेते हैं पी लेते हैं ऐश कर लेते हैं घूम लेते हैं जो चाहिए वो सब कुछ हो जाता है आ, क्या ये सही है नहीं उन्नति जो है जब हम परमेश्वर के वचन के साथ बैठते हैं तो हमारी रोज की जिंदगी को हमें समझने में परमेश्वर का वचन मदद करता है परिस्थितियों को समझने में परमेश्वर का वचन मदद करता है और जो ये लोग जो ये मदद हमें मिलती है यही मदद हमारे जीवन की उन्नति के लिए है कोई व्यक्ति ताकतवर कब बनता है जब उसके पास डेटा उसके पास समझ उसके पास ताकत हो उसके पास सामर्थ्य हो वो तभी ताकतवर बनता है कौन बनता ताकतवर जिसके पास डेटा है इंफॉर्मेशन है और जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो ताकतवर है और उस ताकत को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है आपको ताकत अर्जित करनी होती है एक व्यक्ति जो पहलवान है उसके पास ताकत है इसीलिए वो प्रचलित है व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड आइए सुनते हैं हम की की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय को को मिलकर एक साथ सोने की मूर्ति दंडवत करने का आदेश वो घटना अलग थी जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ी थी ये घटना अलग है तीसरा वचन तीसरा अध्याय पहले वचन से नबुक्त राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई साठ हाथ और चौड़ाई छह हाथ की हाथ की थी उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वार दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया तब नबुद्नेसर राजा ने अधिपतियों हाकिमों गवर्नों जजों खजांचियों न्यायियों शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसमें खड़ी कराई गई थी तब अधिपति हाकिम गवर्नर जज खजांची न्यायी शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबुग्तने राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए तब डिंडोरियो ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे भासुली वीणा सारंगी सितार शहनाई सब आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तब उसी समय मिलकर नबोक गणेश गिर कर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो जो कोई गिर कर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा इस कारण उस समय यो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगा बांसुली वीणा सारंगी सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा सुन पड़ा त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों ने भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिर उस सोने की मूर्त को जन राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। ओके okay. हमें exactly ये नहीं पता कि डैनिल ने दंडवत किया था कि नहीं बट हेयर द स्टोरी गोस फॉर अदर पीपल क्योंकि आप देखो डैनल ने जब डैनल को पिछले अध्याय में हमने देखा यही है सीरियल भाई अध्ययन करने का अर्थ डैनल को जब परमेश्वर ने इस्तेमाल किया नबुग्ने सर राजा के स्वप्न का अर्थ बताने के लिए तो सारी मान प्रतिष्ठा किसको मिली डैनियल को कि तू इसका भी अधिकार तू जो है बेबीलोन का अधिकारी हो जा तो ये हो जा तू वो हो जा सब कुछ उसको दिया लेकिन डैनियल ने क्या कहा राजा मुझे ये अधिकार नहीं चाहिए पर यह बुद्धिमान लोग हैं जो मेरे साथ ही हैं इनको तू अधिकार दे ये बड़ा अच्छे से काम करेंगे संभालेंगे मुझे यहीं रहने दे तेरे दरबार में मैं इसी में खुश हूं डैनियल ने कुछ बड़ा नहीं मांगा बड़ा अधिकार नहीं लिया पर yes, right? मतलब राजा की खास जो लोग हुआ करते थे उनके बीच में खड़े होना उनके बीच में बैठना दैट वॉज द पोजिशन ही होल्ड वो छोटी बात नहीं थी बड़ी बात थी पर एक बड़ी ब्लेसिंग सी द गॉड इज गिविंग हिम वेरी गुड इंपॉर्टेंट थिंग पर मिश्वर ने डैनल पर नजर रखी क्योंकि डेनिल ने सबसे पहले करेज लिया इज बिग ब्रदर फॉर दैम बड़ा भाई था उन सब के लिए एंड वाई एम टेलिंग यू बिग ब्रदर उम्र मैटर नहीं कर रही है यहाँ पर ही वॉज द लीडर अमोंग ऑल द ब्रदर्स राइट और वहां डैनिल ने एक पद लिया जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी की आशीष भी मिली क्योंकि उसने युद्ध लड़ा है आत्मिक युद्ध और उसने विजय भी पाई पर बाकी सब ने नहीं अब उनके सामने भी परीक्षा आ रही है <laughs> आगे सुनते हैं ओके आठ पद में उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई वे नबुघ्नेश्वर राजा से कहने लगे हे राजा तू चिरंजीवी रहे हे राजा तूने तो याज्ञा दी थी कि जो मनुष्य नरसिंह बासुली वीणा सारंगी सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूर्व मुहूर्त को दंडवत करे और जो कोई गिर कर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए शैद्रिक नगो देख शैद्रिक मेक नगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तू ने बेबिलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तू ने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते नोटिस करने वाली बात यह चैप्टर वन में शदरक मिश्र के बेदने को एंड अफकोस बलितेशर यानी कि जो है डैनियल राइट इन सब को जिनके बदले हुए नाम है इनको राजा ने इसलिए चुना था कि ये कसदियों की शिक्षा प्राप्त करें और कसदियों की शिक्षा के अनुसार उनके देवी देवताओं की आराधना करें और पूर्णियों में बने और बहुत बुद्धिमान और समझदार हो राजा बुद्धिमान था नॉर्मली हमेशा लोग ये सोचते हैं कि हमारे ही लोगों में से लोग यहाँ पर बैठे हैं और वो सब कुछ करें लेकिन ब्रिंगिंग अदर पीपल फ्रॉम दी अदर फेथ अदर दूसरे विश्वास से दूसरी जगह से इन सब से लाकर और वहाँ खड़ा करना और बैठाना और उनको सब कुछ सिखाना ये एक बड़ी बुद्धिमानी और बड़ा साहस का काम है और राजा ये कर सकता था और राजा ने किया और राजा के पास इसके लिए एक योजना भी थी कि हम कुछ और बेहतर बनाएंगे दैट वॉज द प्लान ऑफ किंग नबुग दने लेकिन नबुग दने ने जो ये काम किया वो ये काम करके भूल गया अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है एक समय बीत गया इट्स ओवर अ पीरियड ये घटना घटी है कि अब नबुग्तने सर का जो है समय बर्बाद होने वाला है मतलब अब समय खराब होने वाला है उसका जीवन अब अलग होने वाला तब उसमें घमंड और बहुत सारी चीजें भर आई और वो ये काम कर रहा है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जिसकी उसने महिमा की थी डैनल के द्वारा अर्थ बताने के समय पर वो भूल गया है और वो अब उन लोगों के खिलाफ हो गया है लोगों ने भड़काया और यह भड़क भी गया थैंक अबाउट इट लोगों की बात सुनना मेरे सामने कभी कभी कुछ ऐसे लोग हैं आप उन्हें मेरे अपनी और नजदीकी कह सकते हैं जब उनकी उनकी कुछ ऐसी बातें आती हैं जो मुझे सेवा में बाधा बनाए तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे मेरे रिश्ते आज की बात खत्म अगर तुम इसके विरुद्ध खड़े होते हो क्योंकि मैं सेवकाई में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न बाधा स्वीकार नहीं करूंगा मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे कितने भी नज़दीकी होंगे आई विल नेवर कंसीडर दैट रिलेशनशिप स्पेशली इन दिस मैटर वो रिश्ता मेरे लिए मायने नहीं रखता मेरे परमेश्वर की सेवकाई में और ऐसा नहीं कि उनको सेवकाई में इंटरेस्ट नहीं है या कुछ या वो लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मैं किसी को भी अनुमति नहीं देता चाहे जो हो जाए चाहे मेरे जीवन का कितना भी बड़ा नुकसान हो मैंने आपको पहले भी कहा था लोग ये कहते हैं कि पहला परिवार फिर परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के जीवन परमेश्वर और आपके बीच का तो रिश्ता पहला ही है वो यह कहते हैं फिर देखो ट्र की बात क्या है पहला परिवार फिर सेवा गलत है ये जब परमेश्वर पहला है तो उसकी सेवा भी पहले ही आएगी सेवा बाद में नहीं आएगी परिवार आपका अगर भला चंगा है शांति से आनंद से तो वो इसलिए कि आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो और अगर परमेश्वर को पहला स्थान देते हो तभी आपका परिवार आशीषित होगा प्रभु ने कहा तू विश्वास कर तो तेरा घरा ना उद्धार पाएगा तेरा नाम तो परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दी तो उसके बेटे को भी आशीष मिली वेरी सिंपल इट है कि नहीं है सिंपल कुछ घुमा फिरा कर बात नहीं की गई लोग ये कहते हैं और मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को पहला स्थान दिया अब्राहम ने अब्राहम ने अपनी पत्नी के लिए अपने बेटे को नहीं रखा खुद के लिए अपने बेटे को नहीं रखा उसने परमेश्वर की बात को सुनकर अपने बेटे को परमेश्वर के लिए निछावर करना उचित समझा और वो ये करने निकला भी था यदि परमेश्वर की आवाज वो ना सुनता तो क्या होता थिंक लाइक like दैट इसीलिए परमेश्वर पहला है और यहां पर पहला परमेश्वर होना ही चाहिए और फिर देखते हैं हम आगे जब ये सब बातें हुई तो तेरा पद में तब नबुग्धनेश्वर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि श्रे मेशक और अबेदने को लाओ तब ये पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए अब ध्यान से सुनना परिस्थिति बहुत गंभीर है

यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह बांसुली वीणा सारंगी सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजू का शब्द सुनो और उसी क्षण गिनकर कर मेरी बनवाई हुई मूलत को दंडवत करो तो बच जाओगे और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके किंग न हु बाउ डाउन बिफोर द सर्वेंट्स ऑफ द ऑल माइटी गॉड राजा नबुद्ध ने सर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवकों के सामने झुका दंडवत किया जिसने इस बात की हामी भरी कि दुनिया में ऐसा कोई और ईश्वर नहीं है और कोई परमेश्वर नहीं है उसी ने अपने घमन और अपने व्यवहार के कारण देखो बढ़ता जा रहा दिखता जा रहा है यहां पर इनको डांटा ऐसा कौन ईश्वर है मैंने बनाया वो ईश्वर है ओके okay. असल में उसने कोई नया ईश्वर नहीं बनाया सम सम पीपल प्रीच लाइक दैट उसने एक नया देवता बनाया अक्सर बनाते हैं पर देखो देवता जब बनते हैं ना तो कहीं ना कहीं से पुराने निकल कर आते हैं उसी में से एक नया देवता बनता है कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी तो वही पुरानी होती है और पद में शद्रक और अभद ने राजा से कहा हे hey, न भुक्त ने सर इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ते मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता आपको जवाब देने का उसे निवेदन के साथ हे नग्धने इस विषय के उत्तर में हमें कोई भी जवाब देने का बनता ही नहीं है बड़े नम्रता से जवाब दिया हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है परंतु यदि नहीं ध्यान से सुनना क्या कहा उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही परंतु यदि नहीं बचाता परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे चाहे बचाए चाहे ना बचाए चाहे मेरी प्रार्थना सुनी जाए या ना सुनी जाए चाहे मुझे रोटी मिले या ना मिले चाहे मेरी बीमारी चंगाई पाए या ना मिले चाहे मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख हो या ना हो चाहे मेरे जीवन में मेरे परिवार के लिए कोई भली बात हो या ना हो चाहे मेरे लिए सताव हो चाहे सुख हो तो भी तो भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम सर्वशक्तिमान की आराधना करेंगे दैट वॉज द फेथ ऑफ शद्रक मेशक अभेद नगो हु रियल फॉलोअर ऑफ गॉड चहोवा यह परमेश्वर के सच्चे सेवक एंड दैट्स द टेस्टमनी वी शुड कैरी 19 वर्ष 19 पद में तब नबोग सर झुल्ला उठा और झुंझुला उठा उसके चेहरे का रंग शद्रक मेषक और अभेदनगो के प्रति बदल गया उसने आज्ञा दी कि भट्टे को सात गुना अधिक धदका दो फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि मेषक और को, को उन्हें धदकते हुए भट्टे में डाल दो तब वे पुरुष अपने मोजो अंगरखों बागो और अन्य वस्त्रों सहित बांध कर उस धदकते हुए भट्टे में डाल दिए गए वह भट्टा तो राजा की आज्ञा दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धदकाया गया था इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अभेदने को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे और उसे धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अभेदने को बंधे हुए फेंक दिए गए देखो जिन्होंने जो बलवान पुरुष थे बड़े सामर्थी थे उनको आज्ञा मिली कि बांध के इनको फेंको डालो इस भट्टे में भट्टे की आग की जो झुलस थी ना आग जब जलाते हो आप तो थोड़ा दूर पे भी आपको आग तेजी से तपन लगती है जो झुलस होती है वो इतनी तेज थी कि डालने वाले जलकर मर गए डालने वाले और जिनको डाला उनका क्या हुआ पढ़ो तो जानोगे लिखा आगे वर्ड्स में तब राजा चंबित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा क्या हमने उस आग के बीच में तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए उन्होंने राजा को उत्तर दिया हा राजा सच बात है फिर उसने कहा अब मैं देखता हूं कि चार पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य सा है वाह क्या बात है हमने तो तीन ही डाले थे यार मुझसे गलती तो नहीं हुई मैं गलत तो नहीं गिन रहा शायद के ने को हाँ, तीन ही तो है अरे चौथा कौन है मंत्री बोले हर हाजा सच है वो तो घूम रहे मजे मजे कर रहे हैं हो क्या रहा है कौन है ये चौथा मनुष्य जो है परमेश्वर के पुत्र के समान नजर आ रहा है परमेश्वर का पुत्र थिंक अबाउट सी द वर्ड ही सेड परमेश्वर के पुत्र का सा समान ओके okay, राइट right? समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूं छब्बीस पद फिर नबुग्ने उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा हे शेद्रक मेषक और अबेद शैद्रको हे परम प्रधान परमेश्वर के दासो निकलकर यहां आओ यह सुनकर शेद्रक शैद्रकमेश्वर अभे आग के बीच से निकला है देखो ध्यान से सुनो अभी राजा का मन बदल गया राजा का जीवन बदल गया राजा के शब्द बदल गए और राजा का व्यवहार और राजा के आग्रह भी बदल गया हे, hey, hey, परम प्रधान परमेश्वर के दासो आदर सम्मान राजा कर रहा है अभी तो कह रहा है अबे, तूने ऐसे किया अब भी तुम नहीं बोलेगा तो बस और अब हे hey, परम प्रधान परमेश्वर के दासो द पीपल हु फॉलो द लॉर्ड जो लोग परमेश्वर के परमेश्वर का अनुसरण करते हैं परमेश्वर ने अगर उनके लिए दुख भी रखा तो उसमें भी परमेश्वर ने महिमा रखी है उसमें महिमा रखी है आपके जीवन में आपके जीवन की परिस्थितियां जो है अगर कुछ बुरी हैं उसमें भी परमेश्वर ने महिमा रखी है और वो छोड़ेगा छोड़ेगा नहीं नहीं मेरे नहीं। वर्स जब अधिपति हाकिम गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को पुरुषों की ओर देखा तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा न उनके मोजे कुछ बिगड़े न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई ने ने सर कहने लगा और कुका परमेश्वर जिसने अपना भेज अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे इसलिए अब मैं आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों को लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रिक मशक और अभिनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके तब राजा ने बेबलोन के प्रांत में शद्रक मशक और अभिनगो का पद और ऊंचा किया हाल और ऊंचा किया पद सबको चाहिए है ना चाहिए कि नहीं पिता चाहता है कि बच्चे पिता का आदर करें पत्नी पति का आदर करें क्यों क्योंकि वो एक अधिकारी है परिवार में है ना अब जहां कहीं भी है आप जब काम करते हैं जिस जगह पर आप हैं वहां पर आप इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं अधिकार जो है ना ये कमाया जाता है जमाया नहीं जाता प्रभु का वचन जैसा मैंने पिछले कल भी कहा था आपसे परमेश्वर ने आपको सिर होने के लिए बुलाया पूछ होने के लिए नहीं और वो तभी बनाएगा आपको जिसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है मेहनत करने से मजदूरी रहता आदमी कभी मालिक नहीं बनता पर अगर मालिक बनना है तो मालिक ही मालिक बना सकता आपको कुछ लोग ये कहेंगे कि हमने बिजनेस किया है बहुत मेहनत किया है ये किया वो किया है जब तक यह हुआ ना चाहे आप कुछ नहीं कर सकते यकीन मानो जो अविश्वासी जन हैं जिन्हें ऊंचे-ऊंचे पद और जो कुछ दिया गया है वो अपने सामर्थ्य नहीं है वो यहवा की सामर्थ्य है बलत सेशर यानी कि डैनियल ने एक प्रार्थना की और कहा कि मौसम भी तू ही बनाता है सर्दी गर्मी बरसात कब क्या आएंगे ये सब कुछ तू करता है इसे तूने भेज बताया। जब परमेश्वर करने वाला है सारी सृष्टि का कर्ता वही है नबुकदनेसर जैसे को वो इसराइल पर और दूसरी साथ बेबलॉन पर भी राज्य करने के लिए दे सकता है तो क्या ये परिस्थितियां परमेश्वर तय नहीं करता करता है पर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता नब शमेश ने जिन्होंने ये सब काम किया और जिनको परमेश्वर ने पद भी दिलाई जितना बड़ा पद दिलाया ये उन्होंने अपने सामच से नहीं किया ये उन्होंने यहा के नाम पे खड़े होकर किया दे उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने सिर्फ विश्वास किया भरोसा किया और विश्वास ये था भले ही परमेश्वर हमें ना बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे झुकेंगे नहीं आत्मिक बातें आत्मिक लोग समझते हैं इसीलिए उन्होंने राजा ने को डिटेल में नहीं समझाया सी हमने हमारे परमेश्वर पर भरोसा रखा है ये है वो है नो दे डिड नॉट टेल एनी थिंग टू हिम कुछ नहीं बताया शुभ समाचार प्रचार यही है तू हमारे जीवन से देख ले कि हम किस पे भरोसा करते गए हाँ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कम अपॉन यू प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों को तो फलवंद कर बलवंत कर आशीषों से भर दे तेरी योजनाओं से भर दे तेरी इच्छाएं तेरी आशीषें प्रभु इनके जीवन में पूरी हो रोज की जिंदगी में और अधिक प्रार्थना और संगति के लिए प्रेरित कर इस्तेमाल कर सारा दर, सारी महिमा तुझे मिले महमा के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ हम कड़ी मेहनत करते हैं इस शरीर को बनाने के लिए सुंदर बनाने के लिए आकर्षक बनाने के लिए लेकिन क्या हम आत्मिकता के लिए भी ऐसी मेहनत करते हैं आइए शुरुआत करते हैं विजनरी रीडियो पर 24 घंटे सातों दिन